ताबिर मनी सिखा बदंस मादियोनी पाना तिपा ताबिर मनी सिखा बदंस ढेड़ी ढेड़ और ढेड़ी धम्मपद गाथा कथा नंबर 115 सहस वग्गो की ये सबसे अंतिम गाथा है कथा है। यह एक बहुपुत्तिका थेरी की और थेरी को बाद में ढेड़ी बोला गया ढेड़ी और थेरा को ढेड़ा शब्दों का अपभ्रंश है क्योंकि उनकी धम्म चला गया तो जो धम्म के लोग थे उनको भी लोग टेढ़े मेढ़े शब्दों से बुलाने लगे। तो जितने भी भारत में ढेड़ और ढेड़ा करके या ढेड़ी करके बोले जाते हैं वो सारे ही पुराने थेर और थेरी हैं। थेर और थेरी बहुत उच्चतम ज्ञान होता है, दुनिया का सबसे उच्चतम ज्ञान सुप्रीम नॉलेज है आज तक की। इसको दिमाग में रखें, अगर कोई आपको ढेड़ कहता है या ढेड़ा कहता है या ढेड़ी कहता है तो उसका धन्यवाद करें, उसको थैंक यू बोलें। बेसिकली वो आपको थेर या थेरा बोल रहा है और आपको इज्जत दे रहा है तो उसकी इज्जत लें, उसको दो बार थैंक यू बोलें और उसको बताएं कि आप हमें आगे भी थेर या थेरा या ढेड़ या ढेड़ा या ढेरी करके बोलें। ये बहुपुत्तिका करके एक थेरी का एक कथा है। बहुपुत्तिका का मतलब है जिसके बहु यानी बहुत ज्यादा पुत्र पुत्रियां हैं। एक परिवार रह रहा था सावित्री के अंदर, उसके 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। पहले होता था बड़े बड़े, क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे लोगों के 7 बच्चे 8 बच्चे जो पुराने हैं उनके हैं, 4-5 तो अभी मिल जाते हैं, तो 7-8 कॉमन बात थी पुरानी। और चूंकि पहले जीवन बहुत लंबा और बढ़िया होता था, वातावरण एकदम शुद्ध होता था, खाना एकदम शुद्ध होता था, तो लोगों के अंदर शक्ति होती थी, यानी कि महिला में पुरुष में शक्ति होती थी कमाने की खाने की और बच्चे पैदा करने की। तो 7-8, 10 बच्चे 12 बच्चे कॉमन सी बात रही है। तो 14 बच्चे थे उसके, तो 7 उसके पुत्र थे और 7 उसकी पुत्रियां थी। तो 7 पुत्र पुत्रियों का जीवन में वो अपना काम करते रहे, बड़े होकर बच्चे अपना काम करते रहे। उस बहुपुत्तिका का पति मर जाता है। अब पति मर जाता है तो वो अकेले जीवन में क्या करेगी, तो वो सोचती है कि मेरे 7 पुत्र हैं, बारी बारी से इनके पास मैं आऊं, क्योंकि पूरा जीवन इनकी सेवा की है, इनको पाला पोसा है, बच्चे हैं। तो वो एक एक करके जिसके यहाँ जाने लगी, उनके बच्चे और उनका जो परिवार था अपने काम में मशगूल हो गए। उम्र के साथ साथ में मन में फर्क आ जाता है, माँ जो सेवा बच्चों की करती है बच्चे वो माँ की सेवा नहीं कर पाते, अधिकतर नियम ऐसा है, क्योंकि माँ तो अपने मातृत्व में करती है, बच्चों का अपना मातृत्व है, अगर फीमेल है या मेल है तो वो अपने बच्चों में ज्यादा लगते हैं, माता पिता में कम। वैसे भी जो ढलता हुआ सूरज होता है उसको ज्यादा इतनी तवज्जो नहीं होती, उगते हुए सूरज को प्रकृति का नियम है, उसको ज्यादा सलाम करते लोग। तो उसको ऐसा लगा कि अब बच्चे मेरी अवहेलना कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं और ये तो मेरा अनादर कर रहे हैं, और बच्चे अपना जो प्राकृतिक व्यवहार है वो कर रहे होंगे या हो सकता है खराब भी व्यवहार किया हो। तो उसका अनादर भाव होने से उसके मन में जो राग है वो उनके प्रति खत्म हो गया और वीतराग आ गया, यानी वैराग आ गया, वीतराग आ गया। तो जो मोह था बच्चों के प्रति, जो लगाव था, जो ममता था, वो खत्म होता गया उसका व्यवहार देख के। तो जब उसका मोह खत्म होता गया तो उसने अपने बच्चों के यहाँ रहने की बजाय पवज्जा ले ली और भगवान बुद्ध के पास जाके पवज्जा की याचना की। भिक्खुनी संघ ने उसको पवज्जा दी और वो इस बड़ी उम्र में, इस पकी हुई उम्र में भिक्खुनी बन गई। धम्म उसने सीखा, धम्म जाना, तो उसे समझ में आया कि धम्म तो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, और उसने तो सारा जीवन बच्चों में गंवा दिया। अभी धम्म को सीखना है और धम्म को सीख के अपने आप को मुक्त होना है तो समय बड़ा कम है। तो वो ये जान के दिन रात साधना में रत रहती थी, जैसे भगवान बुद्ध बताते थे, जैसे भिक्खु बताते थे, जैसे भिक्खुनी बताते थे वैसे ही करते थे। उसकी लगन को और उसकी मेहनत को देख के भगवान बुद्ध समझ गए कि ये जो स्त्री है ये निर्वाण को जल्दी ही प्राप्त कर लेगी, और ऐसा जानकर उसने और मेहनत जो की, भगवान बुद्ध उसके लिए सहायक बने और ये गाथा भगवान बुद्ध ने उसके लिए कही। यो चे वत्स सतंग जीवे अपसंग धम्म मुत्तमंग एकाहं जीवितंग सेयो पस्सतो धम्म मुत्तमंग। यानी इसमें जो शब्द है वो धम्म मुत्तमंग है, धम्म मुत्तमंग का मतलब है धम्म में उत्तम। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सैकड़ों साल तक ऐसा जिए, वत्स सतंग जीवे, यानी वत्स माने वर्ष और सतंग माने 100 और जीवे माने जिए, कैसे बिना देखे, अपसंग बिना देखे को धम्म मुत्तमंग, यानी धम्म में जो उत्तम चीजें हैं उसको बिना देखे अगर वो 100 साल तक भी जिए,
एकाहंग जीवितंग से हो, यानी इससे ज्यादा तो एक बार जीना वो श्रेष्ठ है। पश्चतो धम्म मुत्तंग, जब वो धम्म में उत्तम को देखे और तब जिए। ये धम्म में जो उत्तम को देखना और धम्म में उत्तम को नहीं देखना है, ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये समझ ले कि धम्म में भी उत्तम, यानी धम्म तो सारे उत्तम है और धम्म में भी उत्तम अगर शब्द आया है तो क्या देखना है? ये देखना है धम्म में उत्तम, क्योंकि आपको धम्म निब्बान में लेके जा रहा है। अगर आप धम्म में निब्बान को देख लेते हैं, परम सुख को देख लेते हैं, अगर आप स्वतापतिपन को देख लेते हैं, अगर आप सकदागामी को देख लेते हैं, अगर आप अनागामी को देख लेते हैं, अगर आप अरहंत को देख लेते हैं, तो आप धम्म में उत्तम चीजों को देख लेते हैं। वैसे तो सारा धम्म ही उत्तम है, मगर ये चार जो चीज हैं, जो आठ जोड़े हैं, ये हैं, ये सबसे ज्यादा उत्तम है। ये भगवान बुद्ध ने बताया। उसने वहां अनिच्छ को देखा, अनित्ता को देखा, उसने वहां अनिच्छ को देखा, अनित्ता को देखा और अनित्ता को प्राप्त किया, परम सुख को प्राप्त किया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Chacharavir.